जाना चाहेंगे और इसकी प्रिपरेशंस कहाँ तक? बेसिकली ये एक टोटली वॉलंटरी बेसिस पर और ये है मूवमेंट है, इसमें कहीं भी किसी भी तरीके का कंपल्शन नहीं है, ना उसमें कोई इंसिस्टेंस है। हर कोई शहरी जो अपना घर पर, अपने शॉप पर बकायदा फ्लैग कोड फॉलो करते हुए फ्लैग होस्ट करना चाहता है 13 तारीख से 15 तारीख, ये 3 दिन के बीच में, वो वेलकम है। उसको हम जो है बहुत ही रीजनेबल इस पर जो है वो उपलब्ध कराएंगे कॉस्ट पर। उसमें किसी भी तरीके से कंपल्शंस नहीं है, वो टोटली वॉलंटरी बेसिस पर है, अपील के बेसिस पर है, अवेयरनेस के बेसिस पर है। सिर्फ ये है कि फ्लैग लेने के बाद फ्लैग कोड का फॉलो हो, उस लिए जो है हम उसको कहेंगे कि भाई कैसे उसको फहराना है, कब अप करना है, कब डाउन करना है, तो वो जो है उसको बताएंगे ताकि जो फ्लैग कोड है उसका कंप्लायंस हो सके। सर, सड़कों की ब्लैक टॉपिंग को लेकर बात करें तो बाकी हुए है, उनकी गाइडेंस उसमें रहती है। कश्मीर में ऑलमोस्ट हर गांव में राइटर है जी। इवन मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे राइटर पढ़ाई लिखाई भी नहीं जानते हैं लेकिन लिखते हैं, ख्यालात उनको आते हैं और वो ख्यालात जो है दूसरे किसी के ज़रिए से जो है किताब के फॉर्म में डालते हैं। इवन उसमें बहुत सारी लेडीज़ भी राइटर हैं, अच्छी अच्छी तरीके से लिखती है, चाहे गज़ल है, पोएट्री है, प्रोज है, स्टोरीज़ है, या जो हमारी जो सोशल कंडीशंस है, सामाजिक इश्यूज है, उस पर वो कमेंट्स करती है। इस लिटरेचर को सिर्फ लाइब्रेरी तक ही महदूद ना रखे, समाज तक ले जाए, इस मकसद के हिसाब से ये 2 दिन की लिटरेचर की कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज़ की है यहाँ। आज तकरीबन जो है 15 से 20 की किताब जो है नए सिरे से पब्लिक के सामने लाई है। काफ़ी किताबें हैं जो अच्छाई पर, पॉजिटिविटी पर भर देती है, ना सिर्फ नेगेटिविटी या फिरका पसंदी, उसके ऊपर उठ कर के जो है वो बात करती है ह्यूमैनिटी की, वो बात करती है स्पिरिचुअलिटी की, वो बात करती है कश्मीरियत की। ऐसे किताबों को हमने प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि नई पीढ़ी जो है और भी अच्छी तरीके से ये इसको जाने, और जो 1-2% अनासिर है वो भी यहाँ से ख़त्म हो। सर, हर घर तिरंगा के बारे में